इंदौर कांग्रेस कमेटी ने आज नगर निगम के कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने का प्रयास किया है। जनहित के ये मुद्दे कई वर्षों से शहर में दिख रहे हैं, जिसे उठाने का प्रयास कांग्रेस ने किया है, लेकिन क्या कांग्रेस इसको सड़कों पर आंदोलन के रूप में ला पाई है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। आइए इसी विषय पर बात करते हैं महेंद्र जी जोशी से, जो इंदौर क्षेत्र के प्रभारी हैं। महेंद्र जी, बताइए आप कि इंदौर में इतने सारे आपने आरोप लगाए और वो कहीं ना कहीं आम जनता को दिखते भी हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं है। सड़कें खुद ही पड़ी हुई है, काम पूरे नहीं हुए हैं, करोड़ों रुपए की, मेरी खुद की एक खबर थी जिसमें मैंने ये उल्लेख किया था कि 3,000 करोड़ रुपए इस नदी को साफ करने में लग गए, लेकिन आज तक नदी साफ नहीं हुई। तो कांग्रेस कहीं फ्रंट फुट पर नजर क्यों नहीं आती? कहीं ना कहीं संगठन की कमी है या किसी और बात की? आप बेबाक राय रखिएगा। धन्यवाद आपको इस महत्वपूर्ण विषय के पर प्रश्न करने के लिए। देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राज्य सरकार जो करे वो करे, लेकिन इंदौर जैसे शहर के लिए स्थानीय सरकार, यानी जिसे नगर निगम कहा जाता है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इंदौर का ये सौभाग्य है और इंदौर की विशेषता है कि इंदौर शायद मध्य प्रदेश में जितना अधिक बड़ा बजट इंदौर नगर निगम का है, संभव 7,500 करोड़ का है। अब ये अपने आप में, देखिए, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन विगत इतने वर्षों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम रहा, लेकिन वो जितनी भी समस्याओं पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वे उनकी जिम्मेदारी थी जिसको ये करना था। प्रश्न आता है कि कांग्रेस ने इस पर क्या किया। देखिए, समय, मैं विगत एक वर्ष से करीब करीब इंदौर को देख रहा हूँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से और हमारे जो पार्षदगण हैं मुझसे वो निरंतर संपर्क में है, बातचीत भी की। ये बात सच है कि संख्या हमारी कम है जी। लेकिन इरादे बुलंद हैं और हमने बड़ा सशक्त विरोध किया है, सड़क पर आकर के किया है, चाहे वो दुकानों के बोर्ड पर टैक्स लगाने का विषय हो या अन्य मामले हों, सब पर अपने प्रयास किए हैं, विरोध किया है। हाँ, मैं आपसे इस बात में सहमत हूँ, और आपने चूंकि कहा है कि बिल्कुल बेबाक बात करना है, तो मैं सच कह सकता हूँ कि हाँ, हमको इससे और ताकत लगा करके इन बातों का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी के जीवन से नगर निगम जुड़ा हुआ है, और अगर आम आदमी के जीवन को पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो ये हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, चूँकि हम विगत कुछ समय में हमने इस चीज़ को लेकर बड़े योजनाबद्ध तरीके से विरोध किया भी है, लेकिन मैं इन चुनावों में इन मुद्दों को विशेष रूप से रखा जाए, और मैं तो समझता हूँ कि जितने भी हमारे आने वाले समय में जो भी प्रत्याशी हैं, वे स्वयं इस बात को, खाली चुनाव लड़ने तक की जिम्मेदारी ना हो, ये चाहे वो हमारे पार्षद हों या हमारे विधायकगण के जो चुनाव लड़ने वाले, अगर आप जनता के मुद्दों को सशक्त तरीके से नहीं उठाते हैं तो लोगों के साथ अगर आप खड़े नहीं होंगे तो समय आने पर लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। पर मैं आपको ये बात विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से इंदौर के लोगों को अन्य विषयों पर ले जा करके और ठगा गया, जिम्मेदारियाँ, जैसे आपने कहा कि 3,000 रुपया किसी एक नदी विशेष के लिए, 3,000 करोड़ रुपया लगा और नतीजा कुछ नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप समय आने दीजिए, मैं आपको ये कह सकता हूँ, मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, जब इंदौर का विकास होता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें उसकी इस विकास की लहर मध्य प्रदेश के बहुत बड़े अंचल में महसूस की जा सकती है। इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस और ताकत के साथ कर, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात के लिए कह रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर ईश्वर करे हमारी सरकार बने, गंदे पानी के मुद्दे पर स्पेशली एक टीम गठित की जाएगी, जिसको कि बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में इंदौर के इस गंदे पानी के विषय को, इसका समाधान कैसे हो, इंदौर के लोगों को जिस प्रकार से ये 18 वर्षों में तमाम सारे ख्याली पुलाव बताए गए हैं, मैं आपको ये वायदा करता हूँ संगठन की ओर से कि हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ पकड़कर इंदौर के गंदे पानी के मुद्दे पर मैं उनसे पूरी मदद लूंगा, और जो भी हमारी सरकार होगी वो इसका समाधान करेगी जरूर। इस मामले श्रीमान शिवराज सिंह जी, उनका अगर आप उनको देखें
तो वहाँ से प्रशासन ब्यूरोक्रेसी का प्रभाव शुरू होता है और नीचे तक सब लोग इस लोकतंत्र में जो जनता की आवाज़ होना चाहिए वो ईमानदारी की बात तो दुम हिलाते नजर आते हैं। ये एक बड़ा मतलब इतना छोटा लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण है कि जिसको जहाँ व्यथा कहने का तकलीफ व्यक्त करने का अवसर मिल रहा है वो बता रहा है। आप मान के चलिएगा पूरे मध्य प्रदेश का जो शासकीय कर्मचारियों का तबका है वो हर तरीके से पूरी तरीके से बहुत प्रताड़ित है। उसका कारण है वह भी आम जनता के सारी सब चीज़ों में जुड़ा हुआ है लेकिन 18 वर्षों में इस सरकार ने दरअसल इसकी न तो इस सुनने की न समझने की और न निर्णय लेने की सारी शक्तियां ये खो चुकी है। इसीलिए कहा गया है कि चार चीज़ें होना चाहिए, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा और राजनीति क्यों गड़बड़ाई। इनको पलटने की ज़रूरत होती है। रोटी अगर एक तरफ से सेकी जाएगी तो वो जल जाती है, पान अगर पलटा न जाए तो सड़ जाता है, घोड़ा अगर बार बार उसकी चाल न बदली जाए तो वो अड़ जाता है और राजनीति अगर बहुत देर तक स्थायी रहती है तो गड़बड़ा जाती है। अब बदलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र जी जोशी, जिन्होंने बेबाक तरीके से कांग्रेस की बात भी रखी, उन्होंने स्वीकार भी किया कि हाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस किन्हीं मुद्दों पर कमज़ोर भी है, लेकिन वे आश्वासन भी दे रहे हैं कि यदि हमारी सरकार बनती तो निस्संदेह हम इस विषय पर काम भी करेंगे और जनता से जुड़े हुए सारे मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। दैनिक राजीव टाइम्स के लिए मनोज दाधीच।